अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आज मैं आई होप आई होप आप लोग अपने घरों में खुश होंगे आबाद होंगे मैं अल्लाह ताला से दुआ करती दूँ कि आप लोग अपने घर में खुश रहें और हम भी बिल्कुल ठीक था है कि आज मैं अपनी मम्मा का व्लॉग आज मैंने स्टार्ट किया तो अपनी वॉइस में आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वॉइस कैसी लगी अपने कमेंट में बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा वही ना कमेंट बस हाँ। तो आज मैं असरा कर रही है मेरी व्लॉगिंग जो व्लॉग है उसका स्टार्टिंग असरा कर रही है तो जी ये देखें कितने प्यारे कबूतर हैं हमारे घर के सामने एक स्कूल है वहाँ पे ये आके बैठे हैं हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं पाँच छः महीने से तो ये बहुत प्यारे कबूतर हैं बहुत बहुत खूबसूरत हैं जब भी कोई शोर होता है एकदम से ये उड़ते हैं बहुत अच्छा मंजर होता है वो वाला कभी मैं दिखाऊँगी इन आपको तो ये जी दोपहर का असर का टाइम था जो मैंने आपके साथ मैंने अपना पीछे आपको क्लिप दिखाया है तो उसके बाद हम मैं जब नीचे आई तो मेरे हस्बैंड जो ये मेरी अम्मी लाई थी ये टोकरी शादी वाले घर से उन्होंने मिठाई भेजी थी तो ये वो खोल रहे हैं वो कहते हैं कि मैं देखूं इसके अंदर क्या है मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊँ एक सौगात होती है किसी दूसरे शहर से आए तो बहुत मज़े की ये मिठाई थी हमें अच्छी लगी लेकिन यह है कि हमारा जो लाहौर की है वो लाहौर की ही होती है तो हम लोग कम थोड़ा मीठा खाते हैं तो वहाँ से जो आई थी वो उसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा था लेकिन बहुत मज़े की थी मुझे तो अच्छी लगी थी और बल्कि हम सबको अच्छी लगी थी कोई नई चीज़ हो तो खाए इंसान तो अच्छी लगती है तो साथ ही ये पकोड़े बनाए थे पकोड़े भी हम लोगों ने खाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया शाम की चाय को और एक छोटी सी पार्टी हो गई थी तो इसी में मैं आपको बताऊं कि मैंने अच्छा जी ख्वाब में मैंने देखा जो मेरा आपको टाइटल भी बाहर समझ आ गया होगा लेकिन उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि मैं दुबई गई तो वाकई मैं ख्वाब में होके आई हूँ तो ख्वाब मैंने देखा कि मैं दुबई गई और मैं मिली पाकिस्तानी ब्लॉगर है आयशा मैं उनके घर गई और उन असल में मैं उसका व्लाग जो है ना मैं बहुत शौक़ से देख रही हूँ वो बच्ची बहुत प्यारा बोलती है बहुत मुझे अच्छा लगता है उसकी आवाज़ अच्छी लगती है तो शायद मैंने वो उस रोज़ाना उसका जो डेली का जो व्लॉग आता है जब भी आता है दूसरे तीसरे दिन तो मैं उसका देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो शायद मैं वही मेरे जेन में था तो मैं ख्वाब में उसके घर चली गई तो उसने रिसेंटली उसने एक बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की थी और उस, वो खा भी रही थी तो मैं ख्वाब में उसके साथ बैठी खा रही थी और बहुत मैंने उसके साथ एन्जॉय किया बातें की और काफ़ी हालांकि मैंने उसको देखा नहीं है उसके साथ मेरी सिर्फ मैसेज में एक दो दफ़ा बात हुई है तो आ, लेकिन यह है कि मैंने ख्वाब में उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा तो मैं हो आई दुबई और मैं तो आई होप अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैं वाकई में दुबई जाऊं क्योंकि मेरा बचपन दुबई गुजरा है और मैं काफ़ी अरसा हम लोग उधर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड कोत रहे हैं तो मैं दुबई में रही हूँ तो दोबारा से मैं चक्कर लगा के ख्वाब में आई हूँ तो आई होप अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैं दोबारा से जाऊँ और उसको मिलूँ आयशा को वो बहुत प्यारी बच्ची है मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर इन ताला तला अगर मेरा मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं ज़रूर उससे मिलूंगी तो आज ये मैं आपको अपनी अम्मी भी दिखा दी है मैंने और उन, उनको आपने देखा है वो कपड़े सिलाई कर रही थी और मैंने उनको कहा कि आप मेरे भी कपड़े सी दें तो ये उन्होंने मेरी शर्ट सी है तो कैसी लगी आपको मेरी शर्ट बहुत अच्छी है और ये रात का टाइम है और हम लोग यहाँ पे अपना खाना जो डिनर है वो इन्जॉय कर रहे हैं मैंने चिकन का शोरबा बनाया था पतला पतला सा कुछ थोड़ी मेरी स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी इसकी वजह से मैंने अपने लिए बनाया और साथ ये आलू की टिक्की थी वो बनाई हुई थी और साथ मेरी बच्चियाँ जो हैं वो नूडल खा रही थी और ये इन दोनों की रेसिपी है मेरी छोटी बेबे जो बच्चियाँ हैं उनकी ये रेसिपी है उन्होंने बनाई है चिकन वो चिकन नूडल है और साथ चिप्स बना के उन्होंने सारा वो पता नहीं किस तरह बनाया है कभी मैं आपको आपके साथ ये रेसिपी जो है बोलने लगो तो बोल आवाज़ भी कभी कभी इस तरह की हो जाती है तो इन आपके साथ मैं कभी ये रेसिपी उनकी जो है वो शेयर करूँगी आपको बताऊँगी बहुत मज़े की बनाई तो मैं पूछ रही थी कि बच्चियाँ इतनी मज़े की बच्चियों में पैदाइशी से टैलेंट आ जाता है वो बनाती हैं खाना बनाने का हुनर तो हर बच्ची में आता है तो ये उनमें भी आया है मुझे इन दोनों में एहसास हुआ है कि मेरी दोनों छोटी बच्चियों ने काफ़ी रोटियां बनाई आटा गूँधा और बहुत मज़ा आया मुझे तो मैं वापस आ गई अपनी वॉइस के साथ मैंने अपनी मम्मा से मोबाइल ले लिया था क्योंकि मुझे वॉइस करने का वॉइस ओवर करने का बहुत दिल कर रहा था मम्मा को देख रही थी तो बहुत शौक आ रहा था तो आप लोग अपने घरों में खुश रहें आबाद रहें मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें जाते जाते इनशाला सब खुश रहें अल्लाह हाफिज